नमस्कार दोस्तों, बेयर जर्सी एडवेंचर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट ने पटना एयरपोर्ट को दे दिया चुनौती, आधी हो गई यात्रियों की संख्या। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में स्थित एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ अब घटने लगी है और इसकी बड़ी वजह दरभंगा एयरपोर्ट के कई शहरों के लिए हवाई सेवा को माना जा रहा है। यही वजह भी है कि कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण का दौर थमने के बाद भी पटना एयरपोर्ट से 5 से 6 हज़ार के बीच यात्री सफ़र कर रहे हैं, जो कि पहले इसका दोगुना यानी कि कहें तो 10 से 12 हज़ार था। इसके साथ ही दिल्ली से पटना आने वाले या पटना से दिल्ली जाने वाले विमानों में भी यात्रियों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। वहीं मुंबई, कोलकाता, रांची और हैदराबाद सहित कई जगहों से पटना आने जाने वाले विमानों में भी अब पहले से कम यात्री सफ़र कर रहे हैं, जबकि हाल ही के दिनों में पटना एयरपोर्ट से विमानों की भी संख्या बढ़ाई गई है। पटना से अब 50 जोड़ी विमानों का परिचालन हो रहा है, इसके बावजूद यात्रियों की संख्या कम देखी जा रही है। कई जिलों के लोगों को पसंद आ रहा दरभंगा एयरपोर्ट। जी हां दोस्तों, बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से देश के कई शहरों के लिए विमान सेवा उपलब्ध हो चुकी है। दरभंगा एयरपोर्ट से अब मिथिलांचल ही नहीं, कोसी क्षेत्र से लेकर सीमांचल की बड़ी आबादी भी हवाई यात्रा करना पसंद कर रही है। दरभंगा एयरपोर्ट की इन सभी क्षेत्र के अच्छी कनेक्टिविटी भी इसका कारण बन सका है। NH-57 के किनारे बने दरभंगा एयरपोर्ट से मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, किशनगंज और कटिहार सहित नेपाल के तराई क्षेत्र का भी आवागमन सुगम हो चुका है। अधिकांश लोग दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रा करना पसंद कर रहे हैं और यही कारण है कि बिहार की एक बड़ी आबादी को अब पटना आकर हवाई सफर करने की मजबूरी नहीं रही। कई जिलों के लोगों को पसंद आ रहा है दरभंगा एयरपोर्ट। जी हां दोस्तों, बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से देश के कई शहरों के लिए विमान सेवा उपलब्ध हो गई है। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट से अब मिथिलांचल ही नहीं बल्कि कोसी क्षेत्र से लेकर सीमांचल की बड़ी आबादी भी हवाई यात्रा करना पसंद कर रही है। वहीं दरभंगा एयरपोर्ट की इन सभी क्षेत्र से अच्छी कनेक्टिविटी भी इसका एक कारण बन चुका है। और NH-57 के किनारे बने दरभंगा एयरपोर्ट से मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, किशनगंज और कटिहार सहित नेपाल के तराई क्षेत्र का भी आवागमन सुगम हो चुका है। अधिकांश लोग दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रा करना पसंद कर रहे हैं और यही कारण है कि बिहार की एक बड़ी आबादी को अब पटना आकर हवाई सफर करने की मजबूरी नहीं रही और लोग दरभंगा से ही हवाई सेवा कर विभिन्न शहरों को जा रहे हैं। अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार दरभंगा एयरपोर्ट से लगभग 4 लाख लोग हवाई सेवा कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का अपडेट और इसके साथ हम लेंगे आपसे साथ ही मुझे तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट हम आप तक पहुँचा सकें।